हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। बात करेंगे नेटफ्लिक्स की कुछ टीवी सीरीज के अपडेट के बारे में, कौन सी हिंदी में रिलीज होने वाली है, कौन सी इंग्लिश में रिलीज होने वाली है। तो साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो और देखते हैं क्या क्या अपडेट आए हैं उन 4 दिनों में। तो सबसे पहले स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के ऑफिशियली कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च हुए हैं, जिसमें कि हमें आयरन मैन नीचे मरता हुआ दिखाया गया है, ब्लैक विडो भी खड़ी हुई है, कैप्टन अमेरिका भी है, मिस्टोरियो भी है। ये सारे कॉन्सेप्ट आर्ट अगर आपको चाहिए डाउनलोड करने हैं तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं एक और नई अपडेट के बारे में। तो हॉलीवुड की नई अपकमिंग मूवी आ रही है बैड बॉयज, इसका 3रा पार्ट हिंदी, तमिल, तेलुगु में रिलीज होने वाला है इंडिया में। तो अगर आपने अभी तक इसके 2 पार्ट नहीं देखे तो जाके देखो, 3रा पार्ट भी काफी कमाल का होने वाला है। थॉर द डार्क वर्ल्ड, इसका विलन आप सभी जानते होंगे मेलेखित, काफी कमाल का था। तो इसके जो एक्टर हैं वो रिटर्न होने वाले हैं आने वाली फीचर मूवीज में, तो क्या पता वो मेलेखित भी रिटर्न हो सकता है, वही रोल प्ले कर सकते हैं सेम। आंट मे के गले में एक लॉकेट पड़ा हुआ है जिसमें कि अंकल बेन की अंगूठी पड़ी हुई है वेडिंग वाली, तो उसका मतलब ये एक रेफरेंस है कि अंकल बेन की भी आने वाली फ्यूचर में स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एवेंजर्स गेम, तो मार्वल एक गेम बना रहा है एवेंजर्स का, जिसके ऊपर अभी भी काफी काम ज्यादा बाकी है, बहुत ज्यादा। तो उसमें एक नया कैरेक्टर इंक्लूडिंग करा गया है जिसका ट्रेलर लॉन्च करा गया था न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में 2019 में। तो इसमें हमें मिस मार्वल से इंट्रोडक्शन करा गया, और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर जो मिस मार्वल टीवी सीरीज आने वाली है उससे पहले ये गेम खेल लेगा, उसमें आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी और इस कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा कि ये कैरेक्टर एक्चुअल में कैसा है। अब बात करते हैं हेलोविन मूवीज के बारे में। तो फाइनली हेलोविन मूवीज की ऑफिशियली शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि हमें कुछ बिहाइंड द सीन देखने को मिले हैं जो कि टाइमलाइन साफ क्लियर करते हैं कि ये मूवी 1978 की होने वाली है। यानी कि अगर आपने हेलोविन का पहला पार्ट नहीं देखा है और आप सोच रहे हो कि इस मूवी को देखें तो जाके देखो भाई, क्योंकि आने वाला जो पार्ट होने वाला है वो और भी ज़्यादा हॉरर और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है। तो इसीलिए मैं तो ये कहूँगा कि ये मूवी ज़रूर देखें। अब बात करते हैं इन्फिनिटी सेगा की ऑफिशियली लुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कि हमें सारी 22 मूवी से इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा और साथ ही साथ उसमें बोनस फीचर भी इंक्लूडिंग होंगे। नेटफ्लिक्स की लॉस्ट इन द स्पेस की ऑफिशियली सेकंड सीजन अनाउंस कर दिया गया है और उसका ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया गया है, तो ये भी काफी कमाल का है। जोगन मूवी ने 95 मिलियन डोमेस्टिक में कम्प्लीट कर ली है, जो कि वर्ल्ड की सबसे टॉप मूवी बन चुकी है। और देन आप जानते हो कि फिर इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर एंड गेम तो सबसे टॉप पे है ही है, पर जोकर सबसे बेस्ट। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जोकर मूवी का सेकंड पार्ट भी कंफर्म हो चुका है, ये एक रूमर के साथ है पर मेरे हिसाब से तो कंफर्म ही है, और ये कैरेक्टर 100% रिटर्न भी होगा। डिज्नी की एक एक्शन मूवी आ रही है जंगल क्रश, तो इसमें डेन जॉनसन भी है और इस वीक इसका ट्रेलर लॉन्च होने वाला है, यानी कि आज वेनसडे है और संडे से पहले ये ट्रेलर लॉन्च हो जाएगा। डीसी की अपकमिंग टीवी सीरीज आ रही है हर्लिक्यून, उसमें पॉइजन का एक ऑफिशियली लुक दिखाया गया, काफी कमाल का लग रहा है, और ये टीवी सीरीज इंग्लिश में लॉन्च होगी, तो हिंदी डबिंग का भी कोई कंफर्म नहीं हुआ है। और आपको बता दें ब्लैक विडो की ऑफिशियली प्रोडक्शन रैप हो चुकी है और हमें कुछ ऑफिशियली कुछ सेट फुटेज भी देखने को मिली है, जिसमें कि एक गाड़ी दिखाई गई है और उसमें एक कैरेक्टर बैठा हुआ है, पर वो कैरेक्टर अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं हुआ था। जी हाँ, पर वो कैरेक्टर अब कन्फर्म हो चुका है और वो मैं आपको आने वाले अपडेट में बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं इसका ट्रेलर से रिलेटिव अपडेट भी आया है, जो कि लॉन्च होगा दिसंबर 14 तारीख को। अभी ये कंफर्म नहीं है पर फिर भी मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूँ, और देन जब ऑफिशियली डेट कंफर्म हो जाएगी, जैसा कि हर बार कंफर्म हो जाता है, तो मैं आपको बता दूंगा, पर 14 दिसंबर को याद रखिएगा। इन्फिनिटी सेगा का ऑफिशियली कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च हुआ है थैनोस से रिलेटिव, जिसमें कि वो सबको कैरेक्टर को दिखा रहा है और अपने इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज कर रहा है, तो काफी कमाल का लग रहा है। और इन्फिनिटी सेगा की पूरी टोटल प्राइस है $550। जी हाँ, काफी ज्यादा है प्राइस, आप इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, डॉलर जो रेट चल रहा होगा आज के टाइम से। जोकर को B+ सिनेमा स्कोर मिला है, पर जिस हिसाब से ये मूवी हिट गई है और इंडिया में इंग्लिश में रिलीज होने के बाद भी ये मूवी चल रही है, मेरे हिसाब से इसे A+ मिलना चाहिए था। एवेंजर्स गेम का ऑफिशियली कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च करा गया, जिसमें मिस मार्वल को भी दिखाया गया और ब्लैक विडो को ऑफिशियली एक नया लुक देखने को मिला है, और हल्का भी, जिसमें कि वो पैंट पहना हुआ है। एमी जो कि सोनी की एक प्रोड्यूसर है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो सिनिस्टर 6 के ऊपर एक मूवी बनाने वाली हैं। जी हाँ, वो उसे प्रोड्यूस करने वाली हैं, जिसमें कि टॉम होलैंड को भी दिखाया जाएगा। ब्लैक विडो यानी कि स्कारलेट जॉनसन न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन फेस्टिवल के लिए तैयार हो रही थी, तो उन्होंने कुछ इमेजेस लीक करी, यानी कि एक तरीके से कहते हो अपलोड करी, जिसमें कि उनका टैटू दिखाया गया, तो काफी कमाल की और खूबसूरत तो हैं सभी जानते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने फोटोशूट भी करवाया अपने ब्लैक विडो से रिलेटेड, तो काफी कमाल का लग रहा है ये लुक। तो सभी जानते हैं कि ये टाइम ट्रेवलिंग हुई मूवी होने वाली है, यानी कि हमें बैक टाइम की मूवी दिखाई जाएगी, तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब ब्राइटबर्न, जो कि Amazon प्राइम पर आ चुकी है इन हिंदी में, और जेम्स गन की बेहतरीन मूवी है हॉरर की, तो इसको जरूर देखेगा, काफी कमाल की मूवी है ब्राइटबर्न, फाइनली हिंदी में आ चुकी है।
फ्लोरेंस जो कि ब्लैक विडो में एलाना का रोल प्ले कर रही है, उन्होंने ये इमेज डाल के कंफर्म करा। जी हाँ, उनकी अंगूठी पे वाई लिखा हुआ है, आप इसे समझ सकते हो ये एक ईस्टर एग है। जेम्स बॉन्ड की जो नई अपकमिंग मूवी आ रही है उसमें उनका नया पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है। अप्रैल 2020 को ये मूवी रिलीज होगी, नो टाइम टू डाई। फाइनली डेविड हार्बर ने भी एक इमेज डाली है जो कि वो कंफर्म करते हैं कि इसका प्रोडक्शन रैप हो चुका है ब्लैक विडो का। जी हाँ, तो काफी कमाल के लग रहे हैं डेविड हार्बर, पर मुझे दाढ़ी वाला ज्यादा कैरेक्टर अच्छा लगता है। स्टीफन वो एक्टर है जो कि मैंने आपको बताया था कि वो ब्लैक विडो की सेट फुटेज में देखने को मिले हैं एक कार में बैठे हुए, तो वो भी इस मूवी में है जो कि स्टीफन है। और साथ ही साथ जस्टिन ली में जो जनरल थे मैन ऑफ स्टील में, जी हाँ आप इन्हें अच्छी तरीके से जानते होंगे, वो एक्चुअल में एक एलियन थे जो कि जस्टिन ली टीम मेंबर आने वाले फीचर में बनते। और मेरे हिसाब से मैं तो ये कहना चाहूंगा जैक स्नाइडर बेस्ट डायरेक्टर थे डीसी के, जिन्होंने बेस्ट मूवी बनाई थी जस्टिन ली, पर जॉस विडो ने आकर सब कुछ रेड मार दी। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही कहना है, और आपके हिसाब से क्या कहना, क्योंकि जस्टिस लीग में जैक स्नाइडर ने इतने सारे कैरेक्टर ऐड करे थे जो कि जॉस विडो ने सब रेड मार के रख दी। उसी के साथ एक कौन सा पार्ट लॉन्च हुआ है, शी हल्क का, जो कि एक फैन आर्ट है जिसमें नैनी हमें लग रही है कि कैसी दिखेंगी, तो काफी कमाल की लग रही है, और आपको बताओ कैसी लग रही है। साथ ही साथ जेम्स गन ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि वो गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बाद इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे आने वाली फीचर डीसी की मूवीज को भी, चाहे वो सुसाइड स्क्वाड 2 भी हो सकती है। हैरी ऑसबॉर्न जो कि स्पाइडरमैन का मेन कैरेक्टर था, तो उसके जो एक्ट प्ले करते हैं उन पे एक आरोप लगा है कि वो लड़कियों की वीडियो बनाते थे गंदी गंदी, तो अभी तक वो उनका आरोप उनका हटा नहीं है। राइजिंग डियोन हिंदी में कंफर्म हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर, आप जाके देख सकते हो, इसका पहला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का था। वंस अपॉन टाइम मुंबई हॉलीवुड ये इंग्लिश में रिलीज हुई पर हिंदी में कंफर्म हो चुकी है, और जब इसकी ऑफिशियली रिलीजिंग डेट आएगी हिंदी में मैं आपको बता दूंगा। डोमिनो कंफर्म हो चुकी है कि वो डेडपूल की फ्यूचर मूवी में भी देखने को मिलेंगी, यानी कि सेम कास्ट सेम कैरेक्टर हमें मार्वल की फ्यूचर मूवी में देखने को मिलेगा जो कि डेडपूल 3 हो सकती है। साथ ही साथ रॉबर्ट डॉनी जूनियर की नई अपकमिंग मूवी डॉक्टर डूलिटिल का ऑफिशियली ट्रेलर लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट वीक, तो इस मूवी का मुझे काफी ज्यादा इंतजार है और मैं देखना चाहता हूँ ये मूवी कैसी होने वाली है। रूसो ब्रदर ने एक ट्वीट करा है चेरी का, जो कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, और टॉम होलैंड की नई कटिंग देखिएगा काफी कमाल की लग रही है, उनके सारे बाल उड़ा दिए गए हैं। फ्लैश, तो फाइनली फ्लैश की एक नई इमेज लॉन्च हुई है जिसमें कि सुपरमैन और सुपरमैन खड़े होंगे बगल बगल में, ये क्रॉसओवर टीवी सीरीज है जो कि काफी कमाल की होने वाली है। और प्लेस्टेशन के लिए फैंस के लिए खुशखबरी है कि प्लेस्टेशन 5 लॉन्च होने वाला है 2020 को। सोनी कंफर्म कर चुके हैं कि उनका जो नया कंसोल होगा वो प्लेस्टेशन 5 होगा। और साथ ही साथ आपके लिए एक और चौंकाने वाली न्यूज, मार्वल इनक्रेडिबल हल्क के बाद आयरन मैन के बाद इनक्रेडिबल 2 बनाने वाला था, पर पैसे के चक्कर में डायरेक्टर ने इसे और उनके एक्टर ने मना कर दिया, और एक्टर ने कहा था कि मुझे और मोटी ज्यादा फीस चाहिए। और फाइनली फिर ब्रूस बैनर यानी कि मार्क रफेलो को कास्ट करा गया और सीधे एवेंजर्स मूवी में दिखाया गया। और एक और अपडेट काफी कमाल का, नोवा को फाइनली इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा मार्वल फेस 5 में, जो कि एमसीयू डायरेक्टर भी कंफर्म करते हैं इस न्यूज को। जी हाँ, तो एक रूमर के साथ अभी कंफर्म नहीं हुआ है कुछ ऐसा। स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट करने वाले थे टॉमी, जो कि एक एक्टर भी है और एक डायरेक्टर भी है, और जो उन्होंने अभी एक खुलासा अपने ट्विटर अकाउंट पे करा, रॉबर्ट डॉनी जूनियर को ऑस्कर नहीं मिल सकता है, तो इसलिए फैंस काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं वो रॉबर्ट डॉनी जूनियर को ऑस्कर दिलवाएं। और अब एक खुशखबरी है कि जोकर नंबर 1 पे आ चुकी है और सबसे ज्यादा कमाने वाली अक्टूबर की मूवी बन चुकी है। जी हाँ, और आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर मैं 2 या 3 दिन तक वीडियो नहीं डालता हूँ, वैसे तो रेगुलर वीडियो डालता हूँ, तो अगर आपको रिसेंट में अपडेट रहना है तो आप मेरे टेलीग्राम ट्विटर अकाउंट फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिए, जिससे कि आपको रिसेंट के अपडेट पता चल सके, क्योंकि वीडियो में तो फिर मैं पूरा ओवरऑल इकट्ठा करके वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा अपडेट, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें, रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पे थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना, बाय बाय, जा रहा हूँ।